तो आज की वीडियो में हमने डिसाइड किया था कुछ ऐसे कमेंट्स के आंसर, मैं सबको एक वीडियो बना के कॉमन आंसर्स दूंगी, सो दैट जितने भी डाउट्स हैं बाकी बच्चों को आने वाले एडमिशन्स को या जिनके एडमिशन्स हो गए हैं वो डाउट सारे क्लियर हो जाएं। तो मेरे पास पहला कमेंट है यहाँ पे, दी तो काउंसलिंग के टाइम एडमिशन फुली हो जाता है या इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट भी होता है एंड काउंसलिंग के टाइम लगिंग विच मीन्स लगेज लेके जाना रहता है शिफ्ट होने के लिए या नहीं, दी प्लीज़ आंसर। तो काउंसलिंग के बाद अगर आपकी आपके पास कॉल लेटर आ गया है और आपकी काउंसलिंग हो गई है तो एडमिशन 100% कंफर्म हो जाता है, कैंसिल होने का फिर तो कोई चांस ही नहीं होता है। कोई एक्सेप्शनल रीजंस होंगे तो वो मुझे पता नहीं, बट ऐसे एडमिशन कैंसिल नहीं होता है। और काउंसलिंग के टाइम लगेज लेके जाना रहता है या शिफ्ट होने के लिए या नहीं, तो अगर आप बहुत दूर से आए हैं तो आप अपना लगेज लेके जाएं, बिल्कुल लेके जाएं, बिकॉज़ इतना ट्रैवल करना एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप लेके जाएं, आपको वो हॉस्टल अलॉट आई गेस नहीं करते हैं, वो एक ही कॉमन डेट होती है जिस दिन सारे हॉस्टल्स अलॉट होते हैं, बट वो आपको रहने के लिए जगह दे देंगे, आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप दूर से आए हैं, आपको हो रहा है कि अच्छा ठीक है हम कहाँ रहेंगे, बार बार आना जाना कौन करे, तो आप अपना लगेज लेके जाएँ। वरना अगर आप पास से ही हैं, दिल्ली से हैं या जयपुर से हैं या राजस्थान के किसी स्टेट से हैं, तो आप अपना लगेज कुछ टाइम बाद, मतलब जब आपको बुलाया जाए हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए, आप तब ले जाएं। क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट का टाइम जो है वो आई गेस 10 to 15 days लेता है, तो इतने दिन अकेले रहने से क्या फ़ायदा है, मतलब कौन ही होगा ना वहाँ पे, तो इसलिए बेटर है आप बाद में ही लेके जाएं, मेरा ऐसा कहना है। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कॉमेंट है, गुड मॉर्निंग दीदी, क्या आप बता सकते हैं कि काउंसलिंग के टाइम भी एडमिशन रिजेक्ट कर सकते हैं क्या वो लोग, इफ़ नॉट तो काउंसलिंग मतलब एडमिशन कन्फर्म। बिल्कुल जी, एडमिशन कंफर्म ही है, वो रिजेक्ट नहीं करते हैं उसके बाद, बहुत ही रेयर रीजंस होते हैं अगर वो आपका एडमिशन रिजेक्ट करते हैं, बट नहीं करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करते हैं, वनस्थली वाले एडमिशन रिजेक्ट नहीं करते हैं, डोंट वरी। तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं, ये है, हे आई गॉट 83% इन 12th एंड वॉन्ट टू डू लॉ फ्रॉम वनस्थली, सो आर दीज मार्क्स सफिशेंट टू गेट इन देयर, मतलब मेरा मेरिट लिस्ट से होगा सिलेक्शन, तो क्या 80% काफ़ी हैं? हाँ बिल्कुल काफ़ी हैं 83%, क्योंकि वनस्थली की कट ऑफ जाती है 70%, तो अगर आपकी 70% से ऊपर हैं तो आपका एडमिशन होगा। और मेरे अकॉर्डिंग लाइफ साइंस के अलावा बाकी जो कोर्सेज हैं उनके लिए एंट्रेंस होता है, तो आप वो चेक करके फिर आप देखो, आप अगर आपकी 70 से ऊपर है तो आप एलिजिबल हो, आप एंट्रेंस पे भी बैठ सकते हो और आप मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट कमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास दो वही कॉमन क्वेश्चंस हैं, दी 83% इनफ फॉर आर्ट्स स्ट्रीम्स, एडमिशन हो जाएगा, आप पहले चेक कर लें कि उसके लिए एंट्रेंस है कि नहीं है, अगर एंट्रेंस नहीं है तो 83% काफ़ी हैं, सफिशेंट हैं। और सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 92% काफ़ी है 11th साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए? बिल्कुल 100% काफ़ी हैं। तो नेक्स्ट जो कमेंट है हमारे पास वो है, अगर आईसाइट में प्रॉब्लम हो तो कोई इशू है क्या? एकेडमिक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे क्या आईसाइट में इशू? ये तो क्वेश्चन पता है मुझे भी, था मैं सच्ची बताऊँ तो मेरी भी एक आई जो है वो वीक है थोड़ी सी और एक नॉर्मल है, तो मुझे भी था कि अरे कैसे होगा आई टेस्ट, बट आपने शायद मेरी वीडियो नहीं देखी है, मैंने उसमें क्लियर किया था कि बस जैसे डॉक्टर्स के यहाँ बोर्ड होता है ना ABCD वाला, अल्फ़ाबेट्स उल्टे सीधे लिखे होते हैं उसमें, बस वो एक टेबल और सामने फ्रेम की तरह वो लगा होगा एंड आपको रीड करना है, कुछ नहीं है इसकी, बिल्कुल टेंशन मत लो। बाकी अकेडमिक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे? नहीं बिल्कुल नहीं, काउंसलिंग है, कोई एग्ज़ाम नहीं है आपका, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बस यही पूछा जाएगा आप खादी पहन सकते हो, आप यहाँ रह सकते हो, आप सर्वाइव कर सकते हो, बस इतना ही है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हाय दी, आई टुक एडमिशन इन BBA, सो हमें न्यू या रेनोवेटेड हॉस्टल ही अलॉट होंगे ना, प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस, आई एम रियली वरिड। ओके, तो हॉस्टल अलॉटमेंट, ये तो हमारे साथ भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ था जब हम गए, तो जिन्होंने मेरी काउंसलिंग की थी वो वार्डन थी, हेड वार्डन थी, तो उन्होंने लिस्ट देखी और हमें बताया कि अच्छा आप ये स्ट्रीम के हैं, नए स्टूडेंट्स को तो सारे रेनोवेटेड हॉस्टल, न्यू हॉस्टल से अलॉट हैं, और जब हम गए वो हॉस्टल रेनोवेटेड ही था, लेकिन ओ गॉड, वो जब रूम हमने देखा तो हमारी आंखों में से लिटरली आंसू आ गए थे। तो आप हॉस्टल्स के लिए तो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहना, कैसे भी हॉस्टल मिल सकते हैं, रेनोवेटेड और न्यू हॉस्टल्स मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है,
तो अपना प्रिपेयर करके जाना अपने माइंड को, स्ट्रेस मत होना, वीडियोस देखना और सारे यूट्यूब पे, ताकि ठीक है बुरा हॉस्टल मिले तो कोप अप कर लो, ठीक है। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही मस्ट कॉमेंट था जिसको मैं एड्रेस करना चाहती थी। तो ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हे, मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, पेमेंट भी हो गई है, बट रोल नंबर नोट करना भूल गई, अब क्या करूँ। ये कॉमेंट बहुत पुराना है, आई नो, लेकिन अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तो आप ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, पाणी मंदिर वहाँ का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर मैं आपको सलाह दूँ तो आप 2 से 3 के बीच में कॉल करें, एक्चुअली 3 से 4 के बीच में कॉल करें। और वो अगर वो कॉल ना उठाएँ, मोस्टली आता है कि बिजी है कॉल, तो आप बार 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 कॉल करते रहें करते रहें करते रहें, जब तक वो कॉल उठाना लें, उठाएँगे ज़रूर उठाएँगे। और आप उनसे पूछ सकते हैं ऐसे स्टेट में क्या करना चाहिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे। कोई भी दिक्कत हो, फीस वगैरह, पाणी मंदिर कॉल कर सकते हैं, नंबर मैं साइड में आ रहा है, इस नंबर पे आपको कॉल करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं? मैंने अभी बताया आपको, इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आप खादी पहन लेंगे, वनस्थली की फाइव फोल्ड एक्टिविटीज़ या फाइव फोल्ड शिक्षा प्रणाली के बारे में बताएं, फाइव फोल्ड जो आपका टीचिंग मेथड है वो क्या है, आपको पता है वनस्थली क्या है, और बस ऐसे ही क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यार आराम से एडमिशन दे देते हैं, सीक्रेट, ओके। नेक्स्ट कमेंट है हमारा, हाय दी, क्या मेरे को 70% एडमिशन मिल जाएगा? मेरा एडमिशन मेरिट बेस पर होगा, आई हैव अप्लाइड फॉर BSc बायो साइंस। ओके, 70% पे एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास बेसिकली पहले अगर आपके पास कॉल लेटर आ जाता है तो एडमिशन कंफर्म समझिए, और बस ठीक है, 70% में मिल जाएगा एडमिशन, दैट्स इट। और बायो साइंस के लिए तो 100% मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट कमेंट पे बढ़ते हैं, हाय, मुझे ये पूछना था, जैसे मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम 31st को था और मेरी काउंसलिंग के लिए मेल आ गया है, तो मेल कि कितने दिन बाद बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए? ओके, तो अगर आपको मेल आ गया है तो उस पर डेट लिखी होगी कि कब आना है। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपने स्पैम जो सेक्शन होता है वो भी चेक करते रहिएगा। मेरे केस में क्या हुआ था, उन्होंने मुझे मेल कर दिया था, लेकिन अब वो मेल स्पैम वाले फोल्डर में चला गया, अब मुझे पता ही नहीं। तो मैंने फिर कॉल किया वाणी मंदिर पे, एंड उन्होंने मुझे बोला कि आपने अपना स्पैम वाला सेक्शन चेक किया है, उस पर मेल गया है आपको, और उसी में सारी डेट वगैरह सब कुछ मेंशन होता है। अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज लगते हैं, 20 डेज़ के बाद तो वो बुलाए रहते हैं। जैसे अभी जून चल रहा है, तो जून 20th तक आपका कॉल लेटर आ जाना चाहिए, और बाय 12th of July, राउंड फिगर बता रही हूँ, 10 के बाद आपका 10 के बाद आपका कॉलेज भी, मतलब आपको काउंसलिंग के लिए तो बुला ही लेंगे, एंड उसके एक हफ्ते बाद आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होता है, और उसके भी एक हफ्ते बाद आपका कॉलेज स्टार्ट होता है। हमें भी एक हफ्ता वहाँ पे ऐसे ही खाली रहना पड़ा था, तो आप तैयार रहिएगा इन सारी चीज़ों के लिए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ टेल मी कि फ़ीस पेमेंट बाय चेक कर सकते हैं क्या? मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर लीजिए, पढ़ना, अगर इसी में शॉर्ट आंसर चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं फ़ीस पेमेंट चेक से। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बाय चेक, बाय कैश, आप किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ चलता है। दी, मैंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, फ़ी पेमेंट भी कर दिया, उसके बाद मेल पे एप्लीकेशन फॉर्म आया है, हैंड रिटन फिल करके पोस्ट करना है क्या अभी? कुछ लोग बोल रहे हैं अभी ही करना है, कुछ रहे हैं काउंसलिंग, कुछ कह रहे हैं काउंसलिंग के बाद करना है। तो देखिए, क्या कह रही थी, भूल गई। हाँ, मैं ये कह रही थी कि देखिए, ऐसा है कि जो हमने जिस मेथड से भरा था उसमें हमने क्या किया था, हमने काउंसलिंग जो हमारा फॉर्म था, ऑनलाइन जो फॉर्म था हमारा, वो हमने पहले ऑनलाइन फिल कर दिया था, और उसके बाद हमने कुछ भी यहाँ से पोस्ट नहीं किया था। लेकिन अब ये हमें भारी पड़ा, वहाँ जाके हमें फ़िल करना पड़ा था वो मोटा सा फॉर्म, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, करीबन 2 घंटे लग गए थे उसको भरने में, वो भी मेरे पेरेंट्स ने मेरी हेल्प की थी तब जाके। और अगर आपका मन है वहाँ जाके भरने का, तो आप अपने साथ, मैंने वीडियो बनाई है क्या क्या स्टेशनरी आइटम्स लेके जाने हैं, वो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप यहीं से भर के पोस्ट कर दे, तो बिल्कुल उस ऑप्शन के साथ जाइए, यहीं से पोस्ट कर दो, वहाँ जाके बिल्कुल हैजल नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी,
सब कुछ आराम से हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो आपको अगर ऑप्शन मिल रहा है तो आप यहीं से उसको भर के पोस्ट कर दो। तो बस इतने ही हमारे क्वेश्चंस थे, और कोई क्वेश्चंस हो या इस वीडियो में कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट करके बता दो, मैं या तो आपको वैसे ही रिप्लाई कर दूँगी, या मैं अगर वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में या फिर एक नई वीडियो के थ्रू मैं आपको उसके आंसर्स दे दूँगी। ओके, बाय।